घर के अंदर जो इन्होंने वॉल पैनलिंग की है, जो बाथरूम के कलर्स यूज करें, आई मीन दे आर ऑल वेरी 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 नाइस फॉर मी। सो दिस इज वेयर यू एंटर द बेसमेंट। द मोमेंट आई एंटर इट्स लाइक अ बिग स्पेस, वेरी हाई सीलिंग, आई थिंक दिस इज अबाउट 13 feet, सो दैट गिव्स ऑल्सो अ वेरी रॉयल फीलिंग। जबरदस्त एंट्रेंस है, दिस मिरर व्हिच दे हैव इंस्टॉल्ड है, ये कोई स्पेशल स्टोन यूज किया हुआ है इन्होंने, क्या जबरदस्त लुक है इसकी। बाथरूम माय गॉड इज सो 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 गुड, दिस ऑल व्हाइट, ये भी तो व्हाइट स्टोन है, ये भी व्हाइट स्टोन है। So if you want to buy this, you need to call me fast. This is undisputably the best property made in this segment. We are in GK2, 550 square yards, and look at this beautiful property. थोड़ा सा मैं इस property के towards biased हूँ, जैसे मुझे ज़्यादा अच्छी, मैं इसको बोल भी रहा हूँ और मुझे लग भी रही है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीजें ऐसी जो मेरी बड़ी personal likings हैं, जैसे जो रेड ब्रिक्स का काम है तो ये लाइफ लॉन्ग है, कभी खराब नहीं होता, बहुत अच्छा रहता है। ये जो इन्होंने लुक दी है ये खराब नहीं होती और दिखने में बहुत अच्छी लगती है। घर के अंदर जो इन्होंने वॉल पैनलिंग की है, जो बाथरूम के कलर्स यूज करें, आई मीन दे आर ऑल वेरी 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 नाइस फॉर मी। सो आई वांट टू शो यू, यू डिसाइड कि आपके लिए कैसा है, बट आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट पीपल विल लव इट। दिस इज लाइक इफ आई वॉज टू गेट माई हाउस डिजाइन एंड आई हैड ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, आई वुड गेट ऑल ऑफ दिस डन। तो वी आर स्टैंडिंग इन द ड्राइववे, ये पूरा ड्राइववे जो है ये पूरा का पूरा ग्राउंड और बेसमेंट का है, एंड वी आर गोइंग टू सी द ग्राउंड एंड बेसमेंट ओनली राइट नाउ। सो दिस एंटायर एरिया बिकम्स योर प्राइवेट एरिया, प्रोबेबली दिस इज टिल वेयर यू कुड पार्क योर कार्स एंड देन जस्ट लीव दिस एरिया ओपन, और यू कुड पार्क योर कार्स आउटसाइड एंड प्ले अ लिटिल बिट ऑफ क्रिकेट हियर, यू नो द गली क्रिकेट। एनीवेज लेट मी जस्ट शो यू द एंटायर थिंग नाउ। सो दिस इज बेसिकली अ लार्ज विंडो, प्रोबेबली लाइक 20 feet आई थिंक, and so this opens into the staircase, the private staircase of ground and basement. Ek to ghar ke andar isse light bahut aati hai, but it looks majestic, and this is the door. Let me show you the door. It comes with this electronic lock system. Ye pura andar se integrate kiya hua hai, kai jagah pe darwaze isse bade hote hain aur shayad wo zyada acche bhi dikhte hain, but this is also giving a very very good look. There are a lot of other pieces in this house which really make up for it. Anyways, तो ये कुछ सामान वामान पड़ा हुआ है, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। नाउ वी आर इन द स्टिल्ट एरिया, दिस इज अ स्लाइट स्मॉल एरिया ऑफ द स्टिल्ट वेयर दे पुट अ बिट ऑफ वुडन फ्लोर एंड ऑल दैट, देयर इज अ अटैच्ड बाथरूम आल्सो, एयर कंडीशन, सो यू कुड हैव सोफाज एंड यू कुड हैव अ स्मॉल सिटिंग एरिया हियर, कोई आपसे मिलने आता है घर पे या आप उसको ऊपर नहीं बुलाना चाहते, व्हाटएवर यू नो, और यू कुड हैव अ पिंग पोंग टेबल हियर, ऑल्दो यू हैव अ नीचे बहुत बड़ी एक बेसमेंट भी है अभी, तो वहाँ पे हो जाएगा। ये बाथरूम को देख लेते हैं एक मिनट, take a quick look. Okay, तो पूरे वीडियो में आपको थोड़ी थोड़ी आवाजें आती रहेंगी, क्योंकि साथ वाली भी एक बिल्डिंग बन रही है और वहां से बहुत शोर आ रहा है, वहां ड्रिलिंग मशीन लगा रखी है उन्होंने अभी, सो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। ऑल्दो दिस हाउस इज एक्चुअली साउंड प्रूफ, पर अभी विंडोज डोर्स कुछ खुले हुए हैं सो शोर आ रहा है। सो दिस इज वेयर यू एंटर, यू नो यू एंटर फ्रॉम दिस डोर लाइक दिस, and the moment you enter you could go to that hall that we just saw, or you could just go take the lift. It's also a very nice looking lift. Abhi building mein kaam aam chal rahe hain, shor hota rahega, kuch kuch hota rahega, just bear with me. We are trying to use equipment jo isko undo kar de, but kuch limit tak hi kar sakta na. This is a very nice looking lift they have given in the building. Now we could go take the basement, और वी कुड जस्ट गो अप टू द ग्राउंड फ्लोर। और इसमें ना बड़े सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे अभी, जैसे ये वाला पत्थर है, पता नहीं क्या पत्थर है, बट लुक्स सो गुड, दे हैव यूज्ड इट इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, इन अ लॉट ऑफ बाथरूम्स आल्सो, एंड ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स इन्होंने इतने सारे यूज किए हैं कि इस बिल्डिंग में आई थिंक द यूएसपी, द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बिल्डिंग, छोटे छोटे पार्ट्स का जो पूरा कॉम्बिनेशन है। आई एम गोइंग टू डू द लेजी थिंग एंड टेक द लिफ्ट and see you in the basement. All right, so this is where you enter the basement. The moment I enter, it's like a big space. और पीछे का जो space है वो मुझे नहीं दिख रहा, तो पीछे भी हम जो भी है अब उसको हम कहेंगे, हम उसको थोड़ा private area बनाएंगे,
this will be a more visitor area agar koi aa raha hai. So since this is a basement and ground and you have your private lift, it's like one unit, I would treat this as the guest drawing room, so to say. ऊपर एक ड्रॉइंग रूम है, उसको मैं अपना लिविंग बनाऊंगा अगर मैं यहाँ रह रहा हूँ. सो आई वुड से दैट इज माई लिविंग रूम एंड दिस आई वुड कीप एज अ फॉर्मल ड्रॉइंग रूम. दिस इज ऑल्सो क्वाइट नाइस एंड लिवेबल. एक्चुअली लिवेबल से मतलब है कि जैसे बेसमेंट्स ना बड़ी बंद बंद सी हो जाती हैं, हवा नहीं होती, लाइट नहीं आती, तो यहाँ पे है क्योंकि इन्होंने पीछे एक संकन एरिया बड़ा सा बना दिया. ये पूरी एक वॉल दे दी है, सारे डबल ग्लेज्ड हैं, अभी कोई शोर इसलिए नहीं आ रहा यहाँ पे. और बाहर भी इन्होंने ऐसा कर दिया कि आप गमले भी रख सकते हो और लाइट भी आ रही है. अगेन यहाँ पे भी इन्होंने ये जो स्टोन यूज किया है, दिस लुक्स वेरी वेरी गुड. देयर इज समथिंग अबाउट दिस रॉ लुक दैट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ पीपल. आई लव इट, अ लॉट ऑफ पीपल लव इट. आई मीन यू डोंट हैव टू लव इट बट आई थिंक यू विल. इट इज वेरी नाइस. ये दोबारा ये डबल ग्लेज विंडोज हैं, एलुमिनियम की हैं, वेरी एक्सपेंसिव स्टफ. आई मीन इस बिल्डर ने कोई पैसे नहीं बचाए हुए, बहुत पैसे खर्चे हैं. सो दिस वुड बी एनीवेज द ड्राइंग रूम इन द बेसमेंट, जिसको आप शायद थोड़ा बहुत इंटीरियर्स का काम और करवा सकते हो. यू कुड हैव पेंटिंग्स, यू कुड डू अ लॉट ऑफ स्टफ. वेरी हाई सीलिंग, आई थिंक दिस इज अबाउट 13 फीट, सो दैट गिव्स आल्सो अ वेरी रॉयल फीलिंग. एक वहाँ पेंट्री है पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी हमारे लिए वो, तो हम आगे चलते हैं. एक छोटा सा एरिया यहाँ और है, सम पीपल वुड लाइक टू मेक इट अ पूजा, यू नो, बट ग्राउंड पर भी वो शायद कोशिश करेंगे. पर वन कैन प्ले अराउंड विद दिस एरिया जैसा भी चाहिए हो. देर इज़ अ स्टोर, इट इज़ फुल ऑफ स्टफ राइट नाउ, बट it's good to know that there is a store because itne bade ghar mein aapko extra storage suitcases vices ke liye bhi chahiye hoti hai. ab ye piche wala area jo thoda private area ban sakta hai, hai na, yahan pe aap kuch bhi bana sakte ho. maybe make this corner as a bar, you know, and or seal it off, actually make it as a home theater. yahan pe wooden floor bhi diya shayad yahi soch ke diya hoga. aur yahan pe is corner mein ya is wall pe one could have a very nice bar. For people like me who don't drink, you could still have a juice bar or something. You know, bars actually look good. Have a fresh lime soda. Anyways, अब ये staircase के नीचे छोटा सा area है ना, इसको हम use कर सकते हैं कुछ decorations के लिए, कुछ plants वगैरह आ सकते हैं, artificial कुछ real भी आ सकते हैं. And this is the beautiful, beautiful bathroom. This is a very beautiful bathroom. There is a very big jacuzzi here. ये जो है मेरे ख्याल से okay, this is Hans Grohe, and I'm seeing this shower for the first time. It gives a temperature. So you can turn it cold or hot, depending on what temperature you want. You know, this is very handy, actually. Love it. I'm probably going to find out how much it costs and put it in my home. And then here you have this WC. Again, they've used that raw stone here, which looks very, very good. The fittings are Wilroy and Bock. Again, very nice, good standard stuff. Bathroom mein kafi storage bhi di hui hai. You could have, you know, whatever you need because it's a basement. It's probably going to be more entertainment area. So, kuch accessories bhi chahiye hongi shayad aapko. Aur, I don't know, did I show you the internal staircase? No, I think I left it out. So, they've used a very good tone of marble. It's light gray, and then they use this black railings and all that. No complaints with that. It's very, very good. ये जो बीच में आप देख रहे हो जहाँ पे chandeliers are there, this actually opens up to the stilt area. और वहाँ पे बाहर की तरफ को दोबारा से एक window है. So you do get some light from there. But if you leave that window open, it is actually openable and it is left open right now. हमें बंद कर लेनी चाहिए थी क्योंकि वहाँ से शोर आ रहा है. But if you leave that open, you would have ventilation in the basement. तो वहाँ से ventilation है, वहाँ से ventilation है. कुछ एक हमारे पास यहाँ पे what do you call that? Exhaust वगैरह हैं, तो उससे हो जाएगा. So I'm going to enter the beautiful lift again and see on the ground floor. क्या जबरदस्त entrance है. This mirror which they've installed here, it still needs some finishing work. So don't just ignore that for now. But just saying, there's a small bench here and remember, so this is the window I was showing you from outside. इससे थोड़ी natural light भी आ रही है. क्या look आ रही है इससे? I mean, look at the whole staircase. If you were living here, you would probably most of the time just climb एक floor ही तो ऊपर आना है. शायद lift ले भी लो, but you know, you would normally just climb. And it's a very good feel. यहाँ पे अच्छी सी wall paneling की हुई है. The shade is very light. You know, I keep saying this in all the videos. Builders like to keep
some spaces very loud and I don't like that. I really love the lighter part. Now like this passage, this entire passage they've used, ये कोई special stone use किया हुआ है इन्होंने. क्या जबरदस्त look है इसकी. I mean, इन्होंने तो आपके designer को लूट लिया, क्योंकि आपका designer अब क्या करेगा यहाँ पे. सारा काम तो हो गया. Now this is a small space, right? After you enter and turn here, तो यहाँ एक छोटा सा console आ जाएगा. You could have a small puja room here. पूजा रूम थोड़ा बड़ा हो सकता था, पर क्योंकि बेसमेंट में भी एक ऐसी जगह दी हुई है, सो प्रोबेबली दे थॉट कि दो जगह नहीं देते. बट इफ यू हैव योर मेन पूजा रूम देयर, देन यू कुड हैव मे बी अ कंसोल एंड लाइक यू नो फ्लावर्स और व्हाटएवर यू कैन यूज टू डेकोरेट. एंड सबसे बढ़िया लुक एट दिस स्टोन दे हैव यूज्ड. दिस इज अ वाइट स्टोन, ब्यूटीफुल स्टोन. एंड यू नो आई ऑलवेज लाइक द वाइट एंड द लाइट कलर्स एंड ऑल. इसके अंदर ये जो इनलेस किए ना इन्होंने, these inlays are like, this is of Italian marble or whatever, but this looks so beautiful. Like, I love it. I just simply love it. We have a kitchen on the right, jo hum baad mein dekhenge. Ab hum aa rahe hain apne living room ke andar. This is the living room and so as I said, aapka formal bada drawing room niche hi rehne wala hai. Par ab jaise koi ek do log aa gaye ya aap hi baithe ho apni family ke saath, so you'd probably spend more time here. This would be a living, you know, you would have a large screen here. Upar aapke air conditioning ke pure vents hain. And samne waise to main road hai. It's a very wide, big road. But all you can see is trees, so which is very good. Bahut badi balcony hai, about 8 feet. So that also looks very nice. Inki presentation bhi na waise badi achhi, unhone gamle already lagaye hue hain, to usse bada acha dikh raha hai. अब यूजुअली बिल्डर्स वही वाइट फैंस लगा देते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है. दिस इज ऑल थॉट ऑफ वेरी वेल. इवन इफ द डोर्स, हाउ कैन आई फॉरगेट द डोर्स, आई एम ऑलवेज फैसिनेटेड. डोर्स के अंदर भी ना इन्होंने कुछ इनलेस बनाए हैं, थोड़ा मेटालिक लुक दी है उसकी. एंड इट्स लुकिंग रियली नाइस एंड आई थिंक इट्स वर्थ टेकिंग अ लुक एट दैट. डिजाइनर ने तो बहुत अच्छा काम किया इनके, जो भी इनके रहे हैं डिजाइनर्स. अब ये आपका लिविंग रूम था, हम यहाँ से बाहर आए तो एक यहाँ पाउडर रूम है और यहाँ पे एक बड़ी प्लेन सा ये लग रहा है. एक्चुअली प्लेन है नहीं, इसके अंदर स्टोरेज वगैरह है. इसका शायद अभी हैंडल वेंडल लगना है. हाँ, और जो एक गीजर है इसके अंदर छुपा दिया गया, जो बहुत अच्छा गया. अब एक घर के अंदर ना यूटिलिटी के लिए बड़े सारे चीज़ें चाहिए होती हैं, यू नो. ये आपको मॉप चाहिए होता है, आपको कुछ लिक्विड्स रखने होते हैं, हारपिक शारपिक के वो. सो वेरी नाइस स्पेस, यू नो, यू कुड स्टोर ऑल ऑफ दैट हियर. And look at this powder, man. This is like, अगर मुझे बहुत अच्छा भी बनाना हो तो I would just copy paste this now. This is beautiful. From here we enter into this front bedroom. Again, very neutral colors on the walls. थोड़ी सी wall paneling की है, पर वो भी बहुत light की हुई है. It's not looking loud at all. Very good taste, I would say, you know. यहाँ पे ऐसे बेड आ गया. एंड वहाँ पे अगर आपको अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज बनानी है, आप बना सकते हो. पर हमारे पास इस रूम में वैसे वॉक इन क्लोजेट है, सो यू कुड हैव अ कंसोल देयर एंड व्हाटएवर, यू नो. अच्छा, अब क्या होता है कि हम घरों में मोटी मोटी चीज़ें देखते हैं, अरे ये एसी है, अरे ये है वो. अब जैसे इसके अंदर हमें ये देखना चाहिए कि किस तरह के हिंजेस यूज़ किए. दीज आर वेरी हाई क्वालिटी हैवी हिंजेस, you know, because the doors are also heavy, and so very, very good stuff. Somebody who knows this industry would know. All right, and then we have, so we are in the walk-in closet now. Isme sare wardrobes hain, iska soft clothes drawers hain, sari alag alag hain. Ek corner bhi banaya hua hai yahan pe, to ye aise hi khul sakta hai, but gives you ample storage inside. Yeah, ye ho gaya. Fir there is this one, and for people who are not very tall, they can't reach there, they can just pull this. Yahan pe aapne hang kar diya, fir isko wapas aise laga diya, you know. So it's a handy fitting to have. Maybe I should get my mom one. Fir yahan pe is tarah ki storage. There's a lot of storage in this particular powder room. अब दोबारा बाथरूम. माई गॉड, इज सो 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 गुड. इज ऑल वाइट.
ये भी कोई वाइट स्टोन है, ये भी वाइट स्टोन है, थोड़ा सा यहाँ पे ये यूज़ किया उन्होंने ब्राउनिश का, बिल्कुल अच्छा किया है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा लग रहा है। ड्यूरावेट हैंड्स ग्रोहे एंड दिस इज ऑल्सो ऑल हैंड्स ग्रोहे। सो हैंड्स ग्रोहे इज अ वेरी हाई एंड ब्रांड, पर ज़्यादातर बिल्डर्स आज अच्छी ही ब्रांड्स लगा रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऐसे खराब नहीं लगा रहा, पर ये भी अच्छी है, सो दिस इज वेरी गुड। दिस ब्लैक प्रोफाइलिंग दैट दीज बिल्डर्स यूज, आई लव इट, यू नो। इसके अंदर इन्होंने एक ये वो भी दिया हुआ है, सो यू कैन very comfortably sit here and, you know, rub your toes or whatever, or say if somebody's elderly in the family and they need to like sit down to bathe or whatever, then you can use this. Alrighty, so all in all, this is like a very lovely bathroom, and so far I think you're loving the property, so you must like the video and subscribe to the channel. और अगर आप नोटिफिकेशन ऑन कर लोगे तो जब भी मेरा का वीडियो आएगा आपको दिख जाएगा, बट इफ यू डोंट वांट टू मत करना, कर लो बहुत अच्छा होगा। ओके, सो नाउ दिस इज द किचन। किचन अगेन इज इन अ वेरी न्यूट्रल टोन, तो न्यूट्रल टोन होती है जो ज़्यादा जैसे कलरफुल नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है कि, जैसे अगर आपका ड्राॅइंग रूम न्यूट्रल नहीं है तो किसी भी तरह का फर्नीचर उसमें फिट करना मुश्किल हो जाता है, पर अगर जैसे लाइट ग्रे बेज टाइप की, लाइट बेज टाइप की टोन्स को हम न्यूट्रल कहते हैं, उनके साथ कुछ भी चल जाता है फिर ना, तो वैसे कह रहे हैं। ये भी काफ़ी न्यूट्रल सी किचन है, यहाँ पे वाइटिश सा एक स्टोन यूज़ किया हुआ है, ये भी थोड़ा ऑफ वाइट टाइप जो भी कलर मिक्स करता था, एंड देर इज़ अ वेट एरिया ओवर हेयर, ये वेट एरिया आ गया। यहाँ पे इफ़ यू वॉन्ट टू इंस्टॉल अ डिश वॉशर एंड ऑल दैट कैन कम हेयर, ठीक है। एंड देन वी हैव अ लार्ज बैल्कनी, तो अब इतना बड़ा घर है कुछ यूटिलिटी एरिया भी तो होना चाहिए था, तो वो यूटिलिटी एरिया यहाँ पे बनाया जा सकता है अगर आपको चाहिए तो, किचन के साथ एक ओपन एरिया यहाँ पे भी आ गया। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू गो एंड लुक एट रेस्ट ऑफ द हाउस। यू शुड लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ यू लाइक इट, नॉट माय प्रेजेंटेशन ऑफ इट, हाउ यू लाइक द हाउस, प्रेजेंटेशन के बता दो वैसे, आई डोंट माइंड। ऑलराइट, एंड लुक एट दिस एरिया, माय गॉड दिस इज सो लवली, आई हैव टू स्टॉप हियर अगेन, दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइसली डन। अब आपको पता नहीं कितना कैमरे के अंदर दिख रहा है जो इसकी फाइन टच फिनिशेस होती हैं, कैसे जॉइंट्स को सील किया है, कैसे क्या कनेक्ट किया है, क्या थीम है, क्योंकि मुझे तो सारा एक व्यू में दिख रहा है, मतलब कैमरे में भी दिखता है पर इतना नहीं हो पाता। जैसे ये हैंगिंग लाइट्स इन्होंने लगाई हैं, ज़्यादातर बिल्डर तो वॉल के अंदर फिटेड लगाते हैं, एंड नथिंग रॉन्ग विद दैट, और ऐसा नहीं है कि ये महंगी है वो सस्ती है या कुछ है, बट आई एम जस्ट सेइंग दिस इज डिफरेंट, आई लाइक डिफरेंट, यू नो, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। The stone also, nobody uses like this white stone with this kind of inlay. This is very unique. ये copy-paste job नहीं है. Okay. This is the middle bedroom again. Double glazed windows, zero noise. And so ये सबसे छोटा वाला room है, अगर आपकी family छोटी है और आपको लगता है यार इतने bedroom क्या करने हैं, एक office room बना देते हैं या whatever room बना देते हैं, तो you can make this that whatever room. Or give it to a smaller kid or a single guy in the family, you know, whatever suits. And then this is the wardrobe here. Thoda sa yahan pe wardrobe space kam hai वैसे, but क्योंकि bedroom भी छोटा है तो शायद ऐसे सोचा होगा कि इसको उसी purpose से करेंगे। यहाँ पे एक wardrobe आप और fit कर सकते हैं अगर आपको करनी हो। And this is the bathroom with this. Again, very very pretty. Again, hands grow here, Duravet, on some fittings lagi hui hain. There is a small bench also again. So, all in all, very nice looking. Lovely. Mitsubishi Electric use kiya hai inhone waise pure ghar mein. This is actually part of centralized air conditioning only. Par iske andar inhone split unit use kiya hai. Iske andar wo wall wala nahi kiya. Baaki sab jagah pe wall wala kiya hua. Alrighty. Now, nice paneling, right? No, this is not paneling. This is actually storage. This is additional storage that they've created in the passage. Aur yahan pe aapko jo bhi ghar mein aur extra storage chahiye apne floor pe, not in the basement, you know. You can do that. Aur ye aise karke press karte hain to lock ho jata hai. To iske andar bhi aisi hai. Now we're going to see the other two bedrooms which again you're going to fall in love with. There is a small walk-in closet, and then we have this bathroom,
shower area. Again, there is a bench. Again, that beautiful raw looking stone. But I mean, there is something about this stone, I keep wanting to touch it. बड़ा अच्छा लग रहा है ना. अब जैसे इसके मिरर के पीछे से लाइट है, वो लाइट जब इस पर पड़ रही है ना, ये क्योंकि 3D में दिखता है ना, बड़ा अच्छी सी फीलिंग आती है. आई मीन इट्स नॉट कॉमन. द कॉमन थिंग इज, लुक, इवन दिस इज अ वेरी नाइस स्टोन. ये भी जो स्टोन है बहुत अच्छा है, ठीक है, पर ये प्लेन है. तो यही स्टोन सब जगह यूज होता है, पर ये रॉ. हमने एक वीडियो कवर किया था बोटानिका नीति वाला, उन्होंने भी कुछ इस तरह के स्टोन वहाँ पे कई जगह यूज किए थे. एंड आई फेल इन लव, एंड लॉट ऑफ पीपल फेल इन लव. सो just ranting about it all the time, I guess. ये wardrobes हो गई जैसे वहाँ देखा था हमने, वैसे ये सारा L बना हुआ wardrobes का. I don't think you need to go very much in detail in that. Again, Mitsubishi के ACs लगे हुए हैं और ये साथ वालों की drilling शुरू हो चुकी है, तो गर गर उनकी आवाज है. All right. Now this is the last bedroom. I think it's one would use it as the master, I guess. Although front wala bhi वैसे बहुत अच्छा bedroom है, पर इसके साथ भी पीछे भी एक balcony है यहाँ पे, जिसे wall पे बड़े अच्छा POP का इन्होंने molding वगैरह दिए हैं. They're looking very very nice. Again यहाँ पे एक L में ऐसे करके wardrobes हैं. And this bathroom is very similar to the last one. सेम पत्थर यूज किया हुआ है सारे walls पे, सेम तरह की फिटिंग्स यूज की है. बस ये फर्क है कि यहाँ पे ये मिरर डिफरेंट है मेरे ख्याल से, है ना. और भी कुछ हल्का हल्का जैसे यहाँ डिजाइन में फर्क है, उसके दोनों तरफ जो स्टोरेज सी बनाई हुई थी वो डिफरेंट है. यहाँ पे ये वाली फिटिंग भी शायद डिफरेंट है. हाँ, यहाँ पे अगेन दे हैव यूज्ड दैट थिंग, यू कैन सेट द टेम्परेचर हाउ हॉट यू वांट द वाटर टू बी. दिस इज अ वेरी नाइस फीचर, आई वुड से. आई मीन एवरी हाउस शुड हैव इट नाउ. आई डिडंट इवन नो दिस एग्जिस्ट्स एक्चुअली. अभी देखा तो मुझे समझ आया, तो बहुत अच्छा. आप अपना शावर में टेम्परेचर फिक्स कर लो, यू नो, इंस्टेड ऑफ जस्ट मिक्सिंग देम इन trying to get the right temperature. अब इसके पीछे जो बैल्कनी है, इन्होंने क्या किया, हम बाहर नहीं जा रहे, बाहर ना बहुत शोर है इस टाइम पे क्योंकि वो ड्रिलिंग हो रही है साथ में, तो यहाँ पे पीछे एक स्पेस बना दिया जहाँ सारे गमले लग जाते हैं ऐसे करके. तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज स्पॉट्स देन इट बिकम्स वेरी नाइस लुकिंग. पीछे थोड़ा छुप भी जाता है. और ये साइड में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये खुला हुआ है, पर अगर आप इसको इस एंगल से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वॉल है, ठीक है. तो वहाँ से लाइट भी आ रही है, वहाँ से हवा भी आ रही है, बट पूरी प्रिवेसी भी हो गई. और वहाँ पे क्योंकि गमले वगैरह लगे हुए हैं, सो दैट इज ऑल्सो गिविंग यू अ लाइक अ फील ऑफ प्रिवेसी प्लस ग्रीनरी. अच्छा, अगर आपको स्टोरेज कम लगे और आपको बढ़ानी हो, यहाँ पे इन्होंने एक प्रोविजन छोड़ा हुआ है. वैसे यू कुड हैव वार्डरोब्स हियर, पर आपको नहीं चाहिए, यू कुड हैव अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल कंसोल हियर, यू नो, एंड वेरी लार्ज बेडरूम आई वुड से. ऑल इन ऑल दिस प्रॉपर्टी इज समथिंग you got to love. Now look at the view from here. This looks so good. Now this is a large house. This is a 550 square yards, ground floor and basement and all that. But you know, now the good thing about GK and the bad thing about GK is यहाँ पे ना बड़े लंबे लंबे plots होते हैं. तो ये good और bad कैसे, क्योंकि good ऐसे है कि इससे feel बड़ी अच्छी आती है. Bad ऐसे कि लंबे लंबे से लगते हैं वो, मतलब बाहर से ऐसे नहीं लगता भी बहुत चौड़ा. ऑल्दो दिस इज नॉट अ वेरी नैरो प्लॉट, दिस इज अ वेरी गुड साइज वेल प्रोपोर्शन प्लॉट. बट जस्ट सेइंग, यू नो, दिस होल हॉल गिव्स यू सच अ गुड फील. सो इफ यू वांट टू बाय दिस यू नीड टू कॉल मी फास्ट और स्लो, बट जस्ट कॉल मी. एंड इफ फॉर सम रीजन दिस डज नॉट सूट यू, आई मीन वी गॉट प्लेंटी ऑफ स्टफ टू ऑफर टू यू, डू लेट मी नो हाउ यू लाइक दिस प्रॉपर्टी. एंड इफ देर इज एनी अदर प्रॉपर्टी यू वॉन्ट मी टू कवर, और इफ देर आर मोर पॉइंट्स दैट यू आर फीलिंग यार ये तो बताया नहीं, ये भी कवर किया करो, I'm all ears and I'm very eager to listen to that from you. Please like and share this video, subscribe to the channels, follow me on all social media, because it's when you do that, you know, it doesn't cost you, but for us it is like it's a lot of love that you're giving us, and you know, it makes us feel wanting to do more. All right, see you next time.